कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों को फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए फरमान जारी किया है। बॉर्डर पूरी तरह सील किए जाएं। जिलों और राज्यों के बॉर्डर, ये तमाम आदेश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन कराना एसपी और डीएम की जिम्मेदारी होगी। प्रवासी मजदूरों के लिए सभी इंतजाम किए जाएं, जहां वे मौजूद हैं वहीं हो इंतजाम, ये बात कही है। केंद्र ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर वेतन दिया जाए। इसके अलावा केंद्र ने कहा कि अगर कोई छात्रों और मजदूरों को घर खाली करने को कहता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किराए की वसूली के लिए दबाव न डाले मालिक। स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश है, कोरोना मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाए जाए। देश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट है कोरोना वायरस। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से इस संकट में आर्थिक मदद की अपील की है और पीएम की अपील के साथ ही मदद के लिए इस हर क्षेत्र से लोग सामने आ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि टाटा सन्स ने अलग से 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं पेटीएम ने राहत कोष में 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। वहीं सेलो ग्रुप द्वारा भी 3.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेलो ग्रुप के प्रदीप और पंकज राठौड़ ने 3.5 करोड़ रुपए का देने का ऐलान किया है। वहीं बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी 50 लाख रुपए की मदद की है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और सांसद गौतम गंभीर ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड के लिए 25 करोड़ रुपए दान किए हैं। बॉलीवुड स्टार प्रभास ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुल 4 करोड़ रुपए दान किए हैं। वहीं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी मदद में आगे आए हैं और उन्होंने इस मुसीबत में 50 लाख रुपए दान करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करें। उसी के तहत प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं, राहत कोष में राशि जमा करा रहे हैं।